मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 222 खिलाड़ी और 55 कोच के बीच करीब 5 करोड़ रुपए राशि वितरित की है और उन्हीं में से एक पारा सीटिंग वॉलीबॉल टीम है जिन्हें 6 लाख रुपए की ये पुरस्कार राशि मिली है। और देखिए पुरस्कार राशि पकड़कर जो खड़ी है महिमा उराव हैं और महिमा उराव के साथ उनकी पूरी टीम है। आप महिमा को बखूबी जानते होंगे और उसके साथ साथ तमाम खिलाड़ी को जो यहाँ से खेलने के लिए गए थे और गोल्ड भी जीत कर आए थे। हालांकि वो पैरा थ्रो बॉल का गेम था, उससे पहले ये पारा जो है सिटिंग वॉलीबॉल टीम है जो ये इससे पहले भी जीत कर आई थी और उसी की वजह से आज मिला है। और अभी जो जीत कर आई थी इसका हो सकता है कि आगे मिले, क्या कहना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मुकेश कंचन सर है, उन्हीं के द्वारा आज हम लोग इतना दूर पहुंच पाए हैं। शुरुआत उन्हीं से हुआ है और जो हमारे सचिव है सरिता सिन्हा मैडम और हमारे राहुल मेहता सर और जो झारखंड एसोसिएशन मतलब जो है हमारा जो संस्था उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज सर को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुकेश कंचन सर को, आज उनके द्वारा आज हम लोग इतना दूर पहुंच पाए और हम जो मेहनत करते थे जो हम ये टीम होता है तो टीम में हम लोग सब कोई बने हुए रहते हैं। जब हम लोग नेशनल खेलने के लिए गए थे तो हम लोग सेकेंड पोजिशन में आए थे तो उसी का है आज। क्या बोलेंगे, खुश हैं? बहुत खुश हैं कि पहली बार ये मदद जी जी हम लोगों को सबसे पहली बार फर्स्ट बार मिला तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा है सबके चेहरे पर भी क्या बता नहीं सकते। बोले मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? आगे भी हम लोग का सहयोग करेंगे बोले हैं और हम लोग का स्पेशल जो ग्राउंड है अगर कहीं है तो वहाँ भी जाने के लिए परमिशन दे सकते हैं हम लोग का वहाँ हैंडीकैप लोग का। क्या बोलेंगे आप? हमारे कोच मुकेश सर और हमारे हेमंत सर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे 6 लाख पुरस्कार मिले तो हमें बहुत खुशी मिल रही है और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे बोले हैं। बिल्कुल, देखिए महिमा जब खेलने के लिए जा रही थी पैसे कम पड़ रहे थे तो आपको याद होगा कि आप सबों ने पैसा एकत्रित कर इन्हें भेजा था और उनके बगल में जो खिलाड़ी हैं ये गुमला की हैं और आज स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने बताया भी कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गहना बेचकर इन्हें पैसे दिया था। सही बोले थे जी सर? सही में वहाँ हम लोग जारी प्रखंड के जिला सदस्य हैं, वो मुझे अपने वाइफ का गहना बेच के मुझे दिए थे मलेशिया जाने के लिए 66,000। आज जो मिला ये 6 लाख, खुश हैं जी? बहुत खुश है, बहुत खुश है और आज पहली बार हम लोग को सम्मानित अवार्ड के तौर पर हम लोग को मिला है तो हम बहुत खुश है और क्या बोलेंगे, खुश है और सरकार को थैंक यू बोलेंगे और इसी तरह हम लोग आगे भी हम लोग सपोर्ट करें ताकि हम आगे तक पहुंचने का अपना 100% देने का कोशिश करें। क्या बोलेंगे आप? पहले तो थैंक यू बोलेंगे इतना इतना अच्छा माहौल था जो हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसा कभी हम लोग को सम्मानित नहीं मिला था, पहली बार है इसलिए हेमंत सरकार को तहे दिल से थैंक यू बोलेंगे। खुश है जी? बहुत खुशी है कि हमारे टीम को आज पुरस्कार मिला है, नगद पुरस्कार, और आगे भी मैं सबसे पहले तो हमारे कोच मुकेश सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो मेहनत किए हैं उस मेहनत का रंग दिखा है हम लोगों को। क्या आप कहाँ से? जी लोहरदगा से। जी हाँ, तो क्या बोलेंगे आज, खुश हैं? जी हाँ बहुत खुश हैं। बातचीत हो पाई मुख्यमंत्री जी से? जी हाँ, फोटो खिंचवा लिए। खुश है जी हाँ। आप लोग क्या बोलेंगे? बोलना चाहेंगे यही बस बोलना चाहेंगे कि इस बार जिस तरह से सरकार ने हमें सहायता प्रदान की है आगे भी वो इसी तरह से सहायता प्रदान करते रहें। कोच मुकेश जी हैं, मुकेश कंचन, और इन्हीं का नाम सभी खिलाड़ी ले रहे हैं तो आज जो ये सम्मान मिला क्या इससे और हौसला बढ़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित तौर पे सिर्फ इन लोगों का नहीं, झारखंड में जो 12.5 लाख दिव्यांगजन हैं
उन सभी का ये हौसला बढ़ाएगी। ये मात्र 6 लाख रुपया ही है, पर ये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि झारखंड में इस तरीके का कभी भी दिव्यांग खिलाड़ियों को राशि मुहैया नहीं कराया गया था, और इस बार जब पहली बार इन लोगों को मिला है तो ये तो खुश है ही और उत्साहित है ही। साथ में जब ये सर्कुलेट होगा, न्यूज़पेपर में आएगा, मीडिया में चलेगा, तो झारखंड के ऐसे गार्जियन जिनका बच्चा दिव्यांग है उनके गार्जियन में एक उत्साह बढ़ेगी कि अब हमारा बच्चा भी अगर मेहनत करता है तो उस स्तर पे जाता है। यही उदासीनता थी जो 2013 से मैं बात करता था कि कुछ ना कुछ सरकार की कमियां हैं जिसके कारण दिव्यांगजन खिलाड़ी निकलकर बाहर नहीं आ रहे हैं, पर अब लगता है कि जो प्रयास हम लोगों ने किया है, हमारे साथ में कमल जी भी हैं जो अभी अध्यक्ष के बतौर काम कर रहे हैं, तो यही हम लोगों का प्रयास था कि किसी तरीके से इसको उस मंच पर ले जाना है जहाँ से बाकी खिलाड़ियों को राशि मिलने लगी, और आज सरकार ने ऐसा ही किया। आज सभी खिलाड़ियों को जो इन लोगों ने सिल्वर मेडल जीता था नेशनल में, उसी का ये इनाम है, और ये आशीर्वाद है सरकार का, और मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ियों का भविष्य यही पैसा से ये भविष्य जरूर तय करेगा, और आने वाले वक्त में हम इंटरनेशनल मेडल लाकर भी ऐसा ही कुछ राशि लेकर जाएंगे। The followup.in, like, share, and subscribe.